सभी को नमस्कार। आज हम दीवानों की हस्ती इस पाठ का सारांश कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 में। इनकी मृत्यु जो हुई है वह है 5 अक्टूबर 1981 में। ये चीज़ें जो हैं ऑथर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले पाठ का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मोला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है कि किस प्रकार से वह मस्ती करता रहता है। मस्त मोला जो व्यक्ति होता है वह कहीं भी जाता है, खुशियां फैलाता है और हर रूप में प्रसन्नता प्रदान करता है, चाहे वह खुशी हो या गम हो या आँखों में आया हुआ आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते हैं। ये वाली जो कहावत है, बहता पानी रमता जोगी, इस कहावत के अनुसार एक जगह कवि नहीं टिकता है और वह कुछ यादें संसार को दे करके और कुछ यादें अपने नए नए सफ़र पर लेकर के चलता रहता है। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करता है, सबको एक ही मानता है। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई भी अपना पराया उनके लिए नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे खुश हैं, प्रसन्न हैं और सदा चलते रहने वालों में से हैं। अभी बात करते हैं हमारी कविता की। देखिए दीवानों की हस्ती जो कविता है तो इस तरह से है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, हम तो दीवाने हैं यानी पागल हैं। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल वहाँ चले जाते हैं। ये दोनों इन पंक्तियों में ये चीज़ें बताई हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ जले। हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम बना देते हैं, मस्ती का माहौल बना देते हैं और हम जहाँ जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते हैं, यानी खुश होकर के नाचते गाते हैं जिसके कारण से धूली उड़ने लग जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास यानी खुशी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी हम खुशी हो जाते हैं और कभी हम आंसू बन करके अभी ही चले जाते हैं, यानी हमारा स्वभाव परिवर्तित होता रहता है, कभी बदलता रहता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। लोगों के बारे में कभी कहता है कि हमें जब हम मस्ती में रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, तो सभी लोग ये कहते रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि अरे तुम कहाँ, अभी तो आए थे और अभी चले जा रहे हो। तो ये इसका सारांश है, इसका हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है। उसके बाद आता है, यहाँ देखिए जो मेन वर्ड्स हैं, दीवानों यानी दीवानों का अर्थ है अपनी मस्ती में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीवाना कहा जाता है। हस्ती यानी अस्तित्व, हस्ती यानी अस्तित्व, मस्ती यानी मौज, आलम यानी दुनिया, उल्लास यानी खुशी। तो ये सारे इस जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है इसके मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते हैं। आज यहाँ हैं तो कल और कहीं हैं। यह जो मौज मस्ती का आलम है यह साथ चला, जहाँ कवि गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती में अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बाँटी। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले गए, मौज मस्ती करते चले गए। हम दीवानों की हस्ती ही कुछ ऐसी होती है। हस्ती कैसी होती है, व्यक्तित्व कैसा होता है, ऐसा ही होता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं। कैसे जीते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं और अपने ढंग से ही चलते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता,
कवि कहते हैं कि वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बाँटी हैं, खुशियाँ लुटाई हैं, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बह निकले। अर्थात अभी खुश थे और अभी दुखी हो गए तो आंसू भी बह निकले हैं। कवि मस्त मौला किस्म के हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, और जहाँ जाते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और कब चले गए पता ही नहीं चला। प्रसंग की बात करें तो ये पंक्तियाँ जो हैं, देखो ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। आपको प्रसंग कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना होता है। सह प्रसंग व्याख्या की बात चल रही है और आप ये देखिए यहाँ पर जो इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है और वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैला देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिख करके भी नोट्स बना सकते हो। फिर यहाँ देखो सेकेंड पैराग्राफ हमारा आ जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में हमारे क्या है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। भाई हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो, और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक मौल भाव से पिए। यहाँ पर जग क्या है, संसार है, छक्कर यानी तृप्त होकर, भाव यानी एहसास, ये सभी जो हैं इसके वर्ड मीनिंग हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर कवि क्या कहता है, यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी पता स्वयं को ही नहीं पता है। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख ली है, उसको लेकर वह आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कवि जहाँ जहाँ भी पहुँचे वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे, निःसुख का एहसास हुआ, तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बाँटा, उनका भी सुख दुख बांटा। जो सुख दुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटता, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव हैं एक समान हम गमों से पिए चले और आगे बढ़े चले। इसके प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही लिखना है जैसे पहले वाला प्रसंग लिखा था। फिर वही से हमारी व्याख्या आ जाती है और तीसरा जो हम पैराग्राफ है यहाँ ले करके चलते हैं। अभी जो तीसरा पैराग्राफ है वह क्या है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ भिखमंगों का क्या अर्थ है, भिखारी, भिखमंगे यानी भिखारी, स्वच्छंद यानी आज़ाद, निशानी यानी चिन्ह, और यानी हृदय, असफलता जो सफल ना हो, भार यानी बोझ, आबाद यानी बसना, स्वयं यानी खुद। कवि क्या कहता है इन पंक्तियों में कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं, भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों ने उन लोगों को उन्होंने क्या कहा है, भिखमंगा कहा है, भीख मांगने वाला भिखारी। भिखमंगों की इस दुनिया में अपने मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं, वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर के आगे चले हैं, चिन्ह लेकर के चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, फेल भी वो हुए, हार भी मानी, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, वजन जो है स्वयं उठाया है, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते हैं।
जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहें, बस रहें यही आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, जो बंधन हैं हम स्वयं बंधे थे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही यह बंधन तोड़ करके आगे चल निकले हैं। कवि का यह मानना है कि वे संकल किस्म के मस्तमोला आदमी दीवाने किसी बंधन में नहीं बनते हैं, स्वतंत्र हैं वो, बंधन उन्हें बांध नहीं सकता है। वो अगर बंधे भी तो केवल अपनी मर्जी से उन्होंने बंधन को स्वीकार किया, यानी खुद की मर्जी से वो किसी के सामने झुके। अब वो आगे बढ़ निकले हैं अर्थात बंधनों को तोड़ करके वो चले हैं, और तो भी अपनी मर्जी से बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़े हैं। वह स्वयं भी इस बात का अफसोस जताते हैं कि अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे एक कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, यानी संसार से उन्होंने ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखा, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। इस प्रकार से संसार के जो सुख हैं वो उन्हें नहीं मिले भोग पाना, यानी प्राप्त करना, या उन्होंने उन लाभ जो थे, सुख जो था, उसका लाभ नहीं उठाया सांसारिक व्यक्ति के रूप में। यह जो है पूरी कविता की मैंने आज आपको व्याख्या बताई है, इसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बताए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस करना जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और किसी पार्ट की समरी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।